हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आज जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भारत के बहुत ही प्रतिभाशाली आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है मिस्टर पृथ्वी सोनी जी, और वो बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकारों में से एक हैं और भारत के कई फिल्मों में जो फिल्में बनती हैं उसमें वो एज आर्ट डायरेक्टर काम कर चुके हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सोलफुल पर्सन है। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी सोनी जी से, और उनसे बात करने से पहले हम उनकी कुछ पेंटिंग देख लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है और कई जगह उन्होंने एग्जीबिशन कर रखे हैं भारत में और बाहर भी। तो हम उनकी कुछ पेंटिंग देखते हैं यहाँ पर। नमस्ते पृथ्वी सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्वेता जी। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? ओ फाइन जी फाइन। बहुत बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ और अपने शो के दौरान आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का ऐसा टाइम है कि कहीं आना जाना हो नहीं पा रहा है और ना किसी से मिलना हो पा रहा है। सही बात है, सही। हाँ जी हाँ जी। तो सर कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक है, अभी लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है तो अभी थोड़ा फोन वगैरह शुरू है और एग्जीबिशन के लिए सोच रहे हैं दिल्ली और बॉम्बे। अरे वाह, क्या बात है सर। तो अभी देखते हैं, अभी ये हो जाए जरा सा पिकअप थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल होगा सर। आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं तो आपका काम तो वैसे भी पिकअप करता ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक्स सर। प्लीज आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। बस देखिए जी, मेरे बारे में तो यही है कि भाई पैदा हुए हम आर्ट के लिए ही, आर्ट की सेवा करने के लिए, और उसमें अच्छे अच्छे गुरु हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट गुरु और सब मिले, उनसे सीखा और अच्छा, मतलब कि लोगों ने हमारा आर्ट पसंद किया और यही बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर आप प्रॉपरली मुंबई से ही हो या कहीं बाहर से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से ही। वैसे मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, दिल्ली,
हाँ दिल्ली, हाँ जी, तो वैसे मैं बॉम्बे आया एज ए आर्ट डायरेक्टर, मुझे मेरे दोस्त रघुनंदन जी फिल्म शुरू कर रहे थे चंबल की रानी, हाँ हाँ, तो उसमें अमजद खान अमजद भाई हीरो थे शोले हिट के बाद में फिल्म, तो उन्होंने एज ए आर्ट डायरेक्टर मुझे यहाँ पे कहा कि भाई तुम हमारे साथ चलो, और लेकिन मैं उसमें आर्ट डायरेक्टर मतलब वो लोग उसमें नहीं था एसोसिएशन में, तो उस पे उन्होंने जरा थोड़ा वो किया, तो फिर उन्होंने कहा भी हम तुम्हें दिल्ली वापस नहीं जाने देंगे, एज ए एक्टर हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें अमजद भाई। हाँ, तो अमजद भाई के साथ दो असिस्टेंट होते हैं, एक नरेंद्र नाथ जी प्रेम नाथ जी के छोटे भाई और मैं, मेरा सिंपैथेटिक रोल था, उन्होंने एंटी किया था, तो चंबल की रानी हाँ पहली फिल्म थी जो मैं उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर फिल्म और आर्ट दोनों ही मेरा एग्जीबिशन वगैरह और आर्ट ये दोनों ही साथ में किया मैं, है ना। तो दिलीप साहब हमेशा बोलते रहते थे कि पृथ्वी तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते, इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, इतना अच्छा काम करते हो, तो एग्जीबिशन करो। तो फिर अचानक एक ऑफर आई ऐसी अपना महालसा आर्ट गैलरी सेंटर होटल में एयरपोर्ट, तो फिर दिलीप साहब को बताया, बड़ा खुश हो गए दिलीप साहब, कहने लगे करो तुम ये शो, तो बस उनका आशीर्वाद ऐसा मिला, शो किया उन्होंने, इनोग्रेट किया उसको, तो वहीं से जो सुपर हिट मतलब कैरियर शुरू हो गया मेरा, और बहुत अच्छा, हाँ जी, वर्क में भी और वैसे भी मतलब बहुत ही अच्छा वो रहा, तो सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सब धर्म जी हेमा जी और सभी सारे हमारे अच्छे अच्छे सब सब ने बड़ा हमें वो किया, मदद की सहायता, और उससे मेरे काम में भी बड़ा वो सुभाष गई साहब, उनकी सभी फिल्मों का आर्ट मैंने किया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा सब मेरे शो को बड़ा बढ़ावा दिया उन्होंने सुभाष जी ने। तो ऐसे मतलब एक के बाद एक संतोषी जी मैंने दामनी की, दामनी से बड़ा प्रभावित हुए जो मैं उसके टाइटल डिजाइन किए दामनी के, तो वो बहुत ही पसंद है, हाँ सब लोग सबको बहुत पसंद आया, और वो राजकुमार जी संतोषी जी बड़ा इम्प्रेस और सभी लोगों ने बड़ा, तो ऐसे मतलब एक के बाद एक मन में जैसे है ना, तो परदेश में था सुभाष जी ने वो पूरा गाना पिक्चराइज किया, जरा तस्वीर सामने आ मेरी महबूबा, है ना, तो पूरा गाना तो पिक्चराइज किया, बड़ा पसंद किया। सौदागर में देखो सब दोनों दोस्तों का जो दिलीप साहब और अपना राजकुमार साहब, दिलीप साहब राजकुमार साहब का उसमें जो सब पेंटिंग्स आपने देखी होगी सौदागर में, तो वो सारा सब किया, उसमें एज ए एक्टर भी मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हाँ दिलीप साहब और राजकुमार साहब वो मेरा उस एक सीक्वेंस में मर्डर हो जाता है जिसमें वो दोनों दोस्तों में दरार पड़ जाती है पूरी कहानी उसी फिल्म में। तो वो हाँ, तो मतलब कि ऐसे एज ए एक्टर भी और एज ए पेंटर भी है ना, तो ऐसे वो थोड़ा अपना चलता रहा, चल रहा है अभी भी ऐसा। तो बहुत राज कपूर साहब की हमारे पर अपना बॉलीवुड के हमारे फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सितारे जो राज कपूर साहब शोमैन, उनकी मैं संगम से, मुझे बचपन में मैं छोटा ही था तो संगम में मुझे पहला ड्राइंग एक रुपया एक ड्राइंग का मुझे उस फिल्म में मिला, है ना, जब छोटा बच्चा था, हाँ पांचवी क्लास पढ़कर छोड़ दिया था, है ना, तो उसमें पहली मुझे ड्राइंग तो राज कपूर साहब और विजयंती माला जी की, है ना, दिल्ली के मोती सिनेमा, उसका
वो फिल्म रिलीज थी, तो रिलीज का उसमें वो दोनों एक ड्राइंग मेरे को मिली हो, तो बस वहीं से स्टार्ट हमारा करियर हुआ। और वहीं से फिर सारी जितनी भी फिल्में थी, वक्त हुआ, काजल, वक्त, जीवन प्रकाश जी की सारी फिल्में, आए दिन बाहर के, आए सावन झूम के, आन मिलो सजना, सागर साहब की है ना आंखें फिल्म, सारी सागर साहब की फिल्में की, और आंखें का 50 फीट की माला सिन्हा बनाई जो डिलाइट सिनेमा दिल्ली। हाँ, तो 50 फीट हाइट और ऊपर से वो वहां पे लगी, तो इतनी मतलब एक जो मेरा स्ट्रोक था वो 2 फीट का, 1.5 फीट, 1 फीट का, 2.5 फीट का, जो ब्रश यूज नहीं कर सकते थे उसमें वो सनमाइका के उसको कट करके पीस, और उससे एक एक उसको हमने बनाया, जो कि दूर से ऐसा लगता था कि कितना फिनिश काम है ना, कितना प्यार से आराम से बनाया होगा, लेकिन वो एक एक जो स्ट्रोक था वो इतना 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट, 1 फीट ऐसे, तो वो माला सिन्हा क्लाइमेक्स में जो है ना ब्लास्टिंग के टाइम का वो सीन था, वो मैंने उसको बनाया। तो मतलब एक से एक सब काम अलग अलग टाइप से और सब किए, और फिर अपना यहाँ पर एक्टिंग में भी अलग अलग भोजपुरी फिल्म भी की है ना, जिसमें पंजाबी फिल्म भी की, हिंदी फिल्में, तो जिगर वाला मेरी मेन बड़ी फिल्म, अपोजिट अनिल कपूर, अनिल जी हाँ। मेरे दोस्त हैं, हाँ, तो वो हमारी मेरी बड़ी मतलब एज ए एंटी रोल अमरीश जी के छोटे भाई का करेक्टर किया, जो बिगड़े हुए ठाकुर लोग होते हैं, वो करेक्टर किया उसमें इंटरवल तक मेरा, फिर उसके बाद में अमरीश जी आ जाते हैं और वो मेरी डेथ का बदला लेने के लिए पूरा फिल्म क्लाइमेक्स तक जाती है तो क्या बात है सर। तो मतलब कि एक ना हर जो फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप से सब काम किया, और है ना उसमें बहुत ही मजा आता था काम करने में, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो उसी में ही सभी, क्योंकि हमारे दिल्ली में ज्यादातर प्रीमियर होते थे, तो सभी स्टार प्रीमियर पे आते थे, धर्म जी, आशा पारेख, शमी जी, शमी कपूर साहब, अपना राजकुमार साहब, मीना कुमारी जी, तो वो उससे मतलब मेरे अंदर एक उनको देख के ऐसा लगता था कि भाई मैं भी बॉम्बे जाऊं और है ना कुछ मैं भी करूं, और इतने इतने बड़े बड़े लोगों से यहीं पर ही आशीर्वाद मिल रहा है, मिलना हो रहा है। तो ऐसे फिर हमारे नीतू सिंह जी हैं, उनकी मम्मी, नीतू की पहली फिल्म 2 कलियां सुपरहिट हुई थी, तो वो आए हुए थे दिल्ली, उन्होंने भी मेरा आर्ट देखा, तो उन्होंने मुझे राजी ने, नीतू की मम्मी ने, उन्होंने कहा तुम आओ बॉम्बे, तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा और बहुत तरक्की करोगे। तो वहां पे आया, उन्होंने थोड़ा हेल्प भी किया मुझे, थोड़ा इधर उधर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, ये वो सब लोगों से इंट्रोड्यूस किया सर। तो ऐसे करते 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 और है ना, तो बस चल रहा है, और एज ए मतलब आर्टिस्ट, एज ए आर्टिस्ट भी मतलब वर्ल्ड में सभी जगह मेरे शो हुए, कैलिफोर्निया, लंदन, हाँ, नैरोबी, अपना तो सब जगह मेरे शो हुए, बहुत अप्रिशिएशन मिली है जी, और इंडिया में मतलब सभी जो है हर जगह जितनी भी गैलरीज हैं सब अच्छे अच्छे सब सभी लोगों ने शो किए मेरे और पसंद आया काम और सब। तो ऐसा है, संगीत का भी मुझे बहुत शौक है ना, रफी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो रफी साहब ने आशीर्वाद भी दिया हमें, जैसे दिलीप साहब ने एक्टिंग में दिया तो है ना, तो सब लोगों ने इतना प्यार किया, तो
तो मैं थोड़ा थोड़ा वो गाने का, कभी मेरे कुछ एल्बम है जो इस पे यूट्यूब पे गाने सुनने को मिलते हैं, है ना, उसमें मंत्र भी हैं और फिल्म के गाना भी है, ये वो ऐसे, फिर फिल्मों में गाया भी, फिर मैंने कुछ भोजपुरी फिल्म भी गाया है, हिंदी फिल्म के गाने भी गाए, तो ऐसे मतलब कि हाँ, तो मतलब आर्ट का ही एक वो है, आर्ट चाहे सिंगिंग हो, एक्टर हो या पेंटर हो, है ना, तो वो सभी हाँ कला जो है वो हर जगह है, संगीत हो, आपका गायन वादन चित्रकारी ले लीजिए, तो जो कला है वो तो हर जगह बसी हुई है, और आपके अंदर तो सारी कलाएं हैं, संगीत भी है, गायन का भी शौक है आपको, आप चित्रकारी भी इतनी उम्दा करते हैं, और सर रही बात आप जो अपनी बात बता रहे हैं कि आप दिल्ली से मुंबई आए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अचीवमेंट है आपके, कि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ जुड़ के मिल के उनके साथ में काम किया है, ये खुद में ही एक बहुत उपलब्धि है जो सबको हासिल नहीं होती है। बस उन्हीं का आशीर्वाद है, है ना, उन्होंने हिम्मत बढ़ाया और काम किया हमने, तो वो मतलब जो फिल्म, वहीं से इंट्रोडक्शन और सब चीज मेरी हुई, है ना, फिल्म के बैनर से, और सभी वहां पे इंडस्ट्री पे, यहाँ बॉम्बे आके, तो यहाँ पे आके तो फिर बहुत तरक्की की यहाँ पे, है ना, तो ऐसा वो है। और अच्छी बात है सर जी, और आप बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं, बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जैसा कि हम लोग, मैं तो बहुत, अभी मैं 32 इयर्स की हूँ, लेकिन बहुत ही छोटे उम्र से आपकी पेंटिंग देखते आ रही हूँ गूगल पे, ऑनलाइन, और तब मुझे तय नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी या मुंबई जाऊंगी, मैं एक छोटे शहर अयोध्या से हूँ, और जब कॉलेज में थी और कभी कुछ असाइनमेंट बनाना होता था, असाइनमेंट के तौर पे तो ऐसा होता है कि हम कभी नहीं कुछ आता है तो हम किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग की ही कॉपी करके काम करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है या कॉलेज में अगर कुछ देना है तो वैसा ही काम करते थे। तो तब से आज से मैं आपको बता रही थी आपको मतलब अपने कॉलेज टाइम से और उससे भी पहले से मैं आपकी पेंटिंग और आपको देखते आ रही हूँ, और मैं भी बहुत छोटी थी जब से मैं ड्राइंग बना रही हूँ, एम एफ हुसैन जी की पेंटिंग कॉपी किया करती थी 5th-6th standard में, तो ऐसा होता था कि मैं पेंटिंग बनाते आ रही, ड्राइंग बनाते आ रही हूँ, और खास में मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और कोई काम नहीं करना है। फिर जैसे जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हुई, तो फिर धीरे धीरे ऐसे आगे आते हुए मैं मुंबई आई, और मुंबई में जब आई थी मुझे कुछ ही टाइम हुए थे जब मैं आपसे मिली थी, आपका वर्ल्ड फेस्टिवल में एडमिशन चल रहा था। अच्छा, हाँ जी, वहां से मिली मैं आपसे, जहां भी राज गैलरी में मैं आपसे मिली, और बहुत अच्छा जी, जहांगीर राज गैलरी में भी, और बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे से, आपसे बात होती है और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो ये एक जो बिगनर्स है, जो आज के जो नए आर्टिस्ट है, वो आप उनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, आप हमारे लिए, हम सभी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी जी, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बताया, और अभी है ना, कभी भी आप आए बॉम्बे, और है, मैं मुंबई में ही हूँ सर, मैं नवी मुंबई में पनवेल में रहती हूँ, और अभी अच्छा, मैं भी काम के लिए आई थी, मैं अपने थोड़े से काम के लिए आई थी और मैं भी मुंबई सेटल हो गई, और आज देखिए आप लोग की अच्छा सबके लिए काम कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आप आइए, तो सर आप अपने आर्ट के बारे में, पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप किस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं।
हाँ देखिए क्या है कि अभी मैंने जो आर्ट में ना मतलब हर टाइप को यूज किया, क्योंकि अभी जैसे मेरा बिगनिंग मेरी शुरू हुई हमारे गुरुजी रंगरूप साहब जो कैलेंडर डिजाइन के बहुत मशहूर सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, है ना, जो कि उस टाइम में एसएम पंडित मुलगांवकर जी का टाइम था, उसी के बाद ही उनका फिर पीरियड शुरू हुआ रंगरूप साहब। हाँ दो भाई थे, बहुत ही फाइन आर्टिस्ट, बहुत ही, तो वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। वो एक बार घर पर आए और घर पर अपना पिताजी ने कहा भाई ये तो हमारा लड़का जो है ये भी आपके लाइन पर ही चल रहा है, ये अभी तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन ये है छोटा सा लेकिन ये ड्राइंग में बहुत शौक है इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ दिखाओ तुमने क्या बनाया। तो फिर एक वो डब्बी के वो खुरच के मैंने अशोक कुमार जी हावड़ा ब्रिज के, हावड़ा ब्रिज में वो स्मोक और शेड लाइट में बड़ी अच्छी थी उस फिल्म में जो मधुबाला और अशोक कुमार जी है ना दादा मुनि, तो उसको मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको दादा मुनि को मैं बनाया जो हाई लाइट में ही उनकी शक्ल पूरी नजर आ रही है और सिगरेट मुंह में और वो धुआं निकल रहा है। तो गुरु जी ने जो देखा था उन्होंने रंगरूप साहब श्री राम सिंह जी उनका नाम, तो कहने लगी तो बहुत अभी से इसको इतना शौक और इतना अच्छा इसने लाइट शेड का वो रखा है तो इसको आप चाहो तो हमारे साथ छोड़ दो और हम इसे है ना ये आर्टिस्ट बनेगा लड़का। तो फिर मैं उनके साथ डलहौजी चला गया हिमाचल, और हिमाचल वहां पे 8-8 फीट 10-10 फीट 5-5 4-4 फीट ऐसे तो वहां पड़ी रहती थी, तो उसमें फिर हमने ये आर्ट सीखा उनके पास। तो वहां पे पूरा पोस्टर कलर और वाटर कलर का वो था, है ना, okay. कैसे वाटर कलर पोस्टर कलर कैसे यूज है ना। तो वो गुरुजी मास्टर थे उसके, उनको इतना जबरदस्त काम करते थे, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा काम करते थे, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। तो उसके बाद में मुझे फिल्म का बहुत शौक था तो मैं फिर दिल्ली आया, तो दिल्ली में मैं जो फिल्म के बैनर्स देखता था तो मैं मेरे को वही फिल्म का वो था कि भाई ये सीखना है कि कैसे इतने बड़े बड़े ये है ना फिल्म के बैनर, धर्म जी, आशा पारेख, शम्मी कपूर साहब, ये वो राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार साहब, ये सब के, तो मैंने कहा हम भी ऐसे कब बनाएंगे कैसा ये है ना इतना। तो बस वो एक बार लीडर फिल्म में देखी रात को, वहां पे बड़े अच्छा काम किया हुआ था तो जो आर्टिस्ट, तो मैंने फिर वहां पे पूछा सिनेमा वर्कर्स में ये कहाँ पर बनते हैं ये के, तो उन्होंने कहा ये कहीं दरियागंज में है दिल्ली में वहां पे जो है वो। बस तो वहां पे मैं फिर अपने गुरुजी तिलक राज जी जो मतलब कि इंडिया के मतलब ओल्ड मास्टर बहुत फाइन काम करते थे ऑयल में, ऑयल का जो काम में मास्टर थे है ना, तो उनको उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस कि ऐसा सीखना है काम। तो मैं जब वहां गया तो फिर वही दिलाया उनका काम कर रहे थे, फिल्म रिलीज थी दूसरे दिन उसका काम कर रहे थे वो, तो उन्होंने मेरा ड्राइंग देखी तो बड़ा उन्होंने कहा नहीं तुम आ जाओ मंडे से आओ तुम्हें हम। तो वहां से फिर मैं हुआ तो आई मिलन की बेला फिल्म आ गई, तो उस पर मैं थोड़ा ड्राइंग करना चाहता था लेकिन वो एकदम देते नहीं कि भाई लड़का है बच्चा है खराब कर देगा ये, तो मैं यही सोचता था कब मैं सीखूंगा ये। तो फिर एक जो दोस्त है अशोक बावरा जी बड़े अच्छे आर्टिस्ट, मेरे से उम्र में बड़े थे लेकिन वो कमर्शियल काम बहुत ही अच्छा फाइन काम करते थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो उन्होंने अपने मास्टर थे उनके, उन्होंने कहा तुम्हें उनसे मिलाते हैं वो बहुत अच्छे, आज संगम का काम चल रहा है वहां पे, तो वो लेके गए मुझे, तो संगम का वहां पे मुझे वहां से मेरी इंट्रोडक्शन और है ना सीखने को। तो वहां पे जो फिर मैं वो मैंने मेहनत इतनी की कि बस वो जो
वहां पे सिर्फ ड्राइंग का पैसे, लेकिन मैं जो अपना जो पेंटिंग जो है, इतने बड़े बड़े वो सब होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पेंटिंग, ये वो सब, तो मतलब उसको डे नाइट ऐसे किया तो बहुत मतलब फास्ट है ना, तो ऐसे फिर तरक्की मतलब हकीकत का जहां आ रहा, और फिर काजल है ना, आरजू, तो सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का सब काम करने को मिला, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को उनको पेंट करने का मिला, तो उनको बनाने में तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। अभी जैसे माला सिन्हा है, माला सिन्हा की मैं पेंटिंग जब बनाता था किसी भी फिल्म की, तो बस फिर ऐसे हो जाता है जैसे खो गए उसमें, है ना, तो उसको इतना खूबसूरत बनाता था, है ना, मीना जी है ना, जितनी भी स्टार है सब, हेमा जी, मुमताज, शर्मिला है ना, सभी जितनी भी उस टाइम एक से एक अच्छी स्टार थे सारे सब, तो उनको देख के बहुत ही इंस्पायरिंग कि भाई कितना अच्छा फेस है, कितना, तो अपनी पेंटिंग में मतलब वो बात लाते थे कि उनको उतना ही खूबसूरत बनाए। तो बस ऐसे वो हर फील्ड में, अब बुक कवर का मैंने किया, जो नावल के बुक कवर्स होते है ना, हिंद पॉकेट बुक का, जहाँ पे इमरोज, हाँ जी इमरोज बहुत बड़े आर्टिस्ट, वो भी हमारे गुरु की है, जैसे तिलक जी हैं, रंगरूप साहब हैं, है ना, तो ऐसे ही वो बहुत ही अच्छे इंद्रजीत जी, बहुत फाइन, बहुत अच्छा अपना हिंद पॉकेट बुक के जो नावल्स हैं, ये वो जो भी बुक है, तो ज्यादातर जितने भी बड़ी वो है, वो सब में इंद्रजीत जी का वो होता था। तो फिर इत्तेफाक से मेरे को भी वहां पे बुलाया उन्होंने, तो फिर हमने भी, उन्होंने मतलब मेरा काम भी उतना ही पसंद किया जैसे इंद्रजीत जी का था, और मतलब बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि भाई कभी भी तुम्हें कोई भी बात है, कुछ भी है, तो यहाँ पे सब आके, जो उनको बोला हुआ था कि कोई भी इनको कोई काम है कुछ भी है तो इनको कभी मने नहीं करना, है ना, तो ऐसे में सब आर्ट में सब जगह जो है अप्रिशिएशन मिली, तो हमें और भी अच्छा करने का है ना अंदर से फील हुआ, तो हर फील्ड के अंदर मैं सब क्रिएटिव वर्क किया। अब जैसे मिस्टर इंडिया मोगैम्बो खुश हुआ, अभी अमरीश जी का गेटअप है ना, तो वो हाँ, तो कितना फेमस हुआ। अभी जैसे कर्मा में डॉक्टर डैंग, अनुपम खेर है ना, तो अनुपम खेर जी हाँ, उनको फर्स्ट वो बड़ा चांस मिला था ब्रेक, इतना बड़ा विलन रोल, हाँ, जो दिलीप साहब के अपोजिट है ना, तो उनको मैं, हाँ, उनको वो गेटअप मैंने, मोगैम्बो खुश हुआ, तो हर एक्टर को सबको है ना, तो तूफान में जैसे अमित जी को है ना, धर्म जी को, सभी विलन्स जितने भी हैं सभी को गेटअप डिजाइन सब किया। सौदागर में देखो, खलनायक देखो, संजय दत्त है, तो क्रिएटिव वर्क मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं एक ही काम किया, मैं बस वो पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ऐसा वैसा नहीं, मतलब सब काम किया। अभी कहाँ 50 फीट की माला सिन्हा, और कहाँ 0 नंबर के प्रेस से कैलेंडर डिजाइन को फिनिशिंग करना, वो पेंटिंग करना है ना, तो एकदम ही अलग डिफरेंट है ना। अभी जो फिल्म का काम है वो एकदम मतलब कलरफुल, और जितना भी हम उसको रफ करेंगे तो उतना ही वो दूर से है ना अच्छा लगता है, तो उसका टेक्निक अलग टाइप की है, तो ऐसे अलग 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 उसमें वाटर कलर भी, पोस्टर कलर, अपना ऑयल में, अपना आज का जो चल रहा है ये कलर एक्रिलिक है ना, ये तो मतलब सब कलर को कैसे यूज करना है, कैसे ये वो सब है ना, तो काम करते हैं तो फिर मजा आता है। अब जैसे आप ये दामनी देखना, आप उसके टाइटल स्टार्टिंग दामनी, तो उसमें संतोषी जी, राजकुमार संतोषी जी, उन्होंने मतलब कहा कि जब तक वो फिल्म एकदम कंप्लीट थी, टाइटल भी बने हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा पृथ्वी जी बनाएंगे तभी मैं रिलीज करूंगा, है ना, तो जब मेरे से वो मेरे साथ में 1 महीना
से भी ज्यादा मेरे साथ में बैठे। अगर वो नहीं बैठते तो मेरे ख्याल और लेट हो जाती फिर, है ना। तो वो मेरे साथ में बैठे जबकि मैं उनको बोल रहा हूँ आप अपना फर्स्ट क्लास अपना एयर कंडीशन में जाके बैठो, कहाँ है को आप यहाँ, है ना, इतनी गर्मी है और इतना वो है ना। तो वो कहते नहीं नहीं पृथ्वी जी आप मेरी फिक्र मत करो, ये आप काम कर रहे हैं इसको देख के मेरे को वो, है ना, वो क्योंकि 30-32 पेंटिंग थी टाइटल जो स्टार्ट होता है दामनी, तो हाँ तो ऐसे काम में बड़ा मजा आता था। अब जैसे ये परदेश थी, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरी महबूबा, है ना। अब वहां पे सेट लग गया है फिल्मिस्तान स्टूडियो में, और सुभाष जी ने मुझे बुलाया कि पृथ्वी ऐसे ऐसे और ये गाना पिक्चराइज करना है, पूरा तेरी पेंटिंग पे होना चाहिए। तो मैंने कहा सर अभी तो आप 2-3 दिन में इतनी पेंटिंग कहाँ से बन जाएगी, है ना। तो ये तो मैंने कहा भाई मैं कल आता हूँ, कल है ना, कल बैठ के ना फिर, है ना, पहले कल तू नहीं आना, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तो सुभाष जी फिर दूसरे दिन वो आए खुद, फिर वहां सब बातें सीक्वेंस क्या है गाने का कैसे ये वो सब। तो मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करिए ना कि मेरा शो का काम चल रहा था बैंगलोर, मेरा एक बड़ा शो था, तो मैंने कहा देखिए उसके लिए पेंटिंग में ये रेडी कर रहा हूँ, तो आप इसमें से देखो कि आप किस सब्जेक्ट पे कौन सा ये आपको है ना जमेगा। तो मैंने कहा उनको फिर हम अलग निकाल देते हैं और आप उसको यूज करो अपने इस गाने में, है ना, और खाली वो खराब ना हो, कोई फटे वटे ना ये हो। टाइम मेरा शो का भी टाइम कम था, तो मैंने कहा इसलिए बस खाली ये देख के और आप इसे आप। तो वो उन्होंने उसको फिर पूरा गाना पिक्चराइज किया उसके ऊपर, जरा तस्वीर से निकल के सामने आया मेरी महबूबा, शाहरुख खान और है ना लड़की, हाँ तो बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे हाँ सब जो क्रिएटिव वर्क अपने आर्ट को हमने ऐसे वो दबाया नहीं, है ना, जो जरूरत है जिसको हमारे आर्ट की। क्रोधी फिल्म में देखो उसमें अलग अलग है ना, हिटलर का देखो, धर्म जी का गेटअप है ना, धर्म जी का जो हमने अपना उसमें था ना द 10 कमांडमेंट्स में जैसे, हाँ हाँ वैसे ही धर्म जी का वो जो गेटअप और वैसे ही उनको वो। अब जैसे हमने ये अपना विधाता में दिलीप साहब फर्स्ट टाइम है एक ऐसे बड़े उसका रोल कर रहे थे, है ना, विधाता में। तो हमने फिर अपना क्या थी फिल्म वो जो बड़ी फिल्म थी ना वो क्या नाम था उसका, तो उसका जो वो गेटअप हमने दिलीप साहब को उसमें दिया, है ना, विधाता में एक अलग, हाँ अभी नाम याद नहीं आ रहा फिल्म में। तो ऐसे अलग अलग, हाँ जी हाँ जी, सब क्रिएटिव वर्क सारा सब किया है। तो ऐसा अभी भी वैसे ही कर रहे हैं काम, है ना। क्या बात, और ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप मतलब बचपन से ही इस लाइन में आए, अपने काम में आए और अभी तक उसी काम में अग्रसर हैं। तो सर आप जैसा कि आप अभी शायद अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो आप स्टूडियो आप क्या आप पेंटिंग वगैरह सिखाते भी हैं या आप सिर्फ अपनी पेंटिंग ही बनाते हैं? नहीं मतलब मैं ऐसे क्लास वगैरह तो नहीं लेता, है ना, कि अभी कोई आते हैं देखते हैं पूछते हैं तो है ना हम खुशी से उनको और हिम्मत बढ़ा के भेजते हैं, उनको जो उनको पूछते हैं उनको बताते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा जगह थोड़ा छोटी है ना, तो उसकी वजह से स्पेस कम है ना। अभी मेरा जो बंगला है उसका थोड़ा सा वो चल रहा है, वो अपना जो कुछ वहाँ पे हाँ बिल्डर वहाँ पे आके वहाँ मॉल बनाने वाले, तो वहाँ वहाँ का जो एरिया
हाँ, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर काम करने के लिए शिफ्ट किया हुआ है। okay. वो थोड़ा सा फिर, हाँ, तो वो थोड़ा लेट हो गया क्या उन लोगों का आपस में, तो उसकी वजह से, नहीं तो वो मेरी बंगला 4,500 square feet में, तो बहुत बड़ा वहाँ पे, वहाँ 1,000 square feet का सिर्फ मेरा गैलरी जहाँ पे डिस्प्ले सब पेंटिंग्स को है ना, तो वो थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा, हाँ हाँ जी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस होता है, तो फिर कोई क्योंकि सिखाए तो फिर तरीके से है ना, वैसे कोई आके पूछते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, कोई ऐतराजी नहीं, जो हमसे सेवा होती है हम करते हैं। तो हम्बल, आप इतने हम्बल हैं, ठीक है, जो सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो सर, जैसा कि आप फिल्मों के बैनर्स वगैरह बनाते आए, आपकी पेंटिंग करते आए, तो आप, आपकी जो भारत हमारी फोक पेंटिंग है, फोक कला है, आपकी उसमें भी रुचि है, रुझान है, या सिर्फ आप कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स बनाते हैं? सब सब टाइप का वर्क किया हो, जहाँ पे अभी वो ऑयल का था, अभी फिल्म बैनर एक दूर से देखने का होता है, तो दूर में कैसे पेंटिंग होना चाहिए, कैसे कलरफुल ये वो, और कैसा बोल्ड स्ट्रोक रहना चाहिए, जितना बोल्ड स्ट्रोक होंगे उतना ही वो दूर से उसका फिनिश लगेगा वो, है ना। तो ऐसे मतलब हर लाइन का एक अलग अलग मूड होता है, कैलेंडर डिजाइन है वो एक अलग ही है ना, जीरो नंबर की ब्रशेस की फिनिशिंग है ना, दो तीन, तो वो अलग उसका ऑयल का अलग, वाटर कलर अलग, पोस्टर कलर का अलग मेथड है, फिर अपना ये आज का जो चल रहा है एक्रेलिक का भी, इसको वाटर में है लेकिन है ना, उसको ऑयल के ढंग से हम करते हैं, लगता है कि ऑयल की पेंटिंग है। तो है कि आप वाटर एंड ऑयल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। आप जैसे मेरी पेंटिंग जो पीछे, मेरी जो पेंटिंग है वो मेरे पीछे है, वो भी मैंने एक्रेलिक से वर्क, मैं भी ऑयल पेंटिंग वगैरह। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वही मैं देख रहा था है ना, एक्रेलिक में किए हुए ना। तो सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने बहुत जगह एग्जीबिशन किए हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर कई जगह आप गए हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है एग्जीबिशन करके, मतलब बाहर में कैसा है आर्टिस्ट के लिए और इंडिया में कैसा है? देखिए, मैं अभी इतने मेरे शो हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ अपने इंडिया से बाहर में खुद नहीं गया है ना, मेरे शो उन्होंने किए, जो अपना स्पॉन्सर ग्रुप शो हुआ है या सोलो मेरे शो हुए, वो सब स्पॉन्सर, मैं खुद गया नहीं इंडिया से बाहर है ना। अभी मेरा दुबई शो था, यही अप्रैल में था अभी इसी साल का, और वहां पे भी मैं वो इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा पाया, और लोग गए वहां पे दुबई में शो था, एंड अभी नेक्स्ट शो अभी नेक्स्ट ईयर है मार्च में मेरा दुबई शो है, तो ऐसे मतलब मेरा खुद जाने का नहीं हुआ, जबकि मेरे स्पॉन्सर जो मेरा शो करते थे वो लोग इतना खुश होते थे कि आप वहां पर 3 महीना, आपका आर्ट को इतना पसंद करते वहां के लोग है ना, लंदन में तो ऐसे जैसे इंडिया, इतना होटल रेस्टोरेंट ये वो, वहाँ का अपना क्या नाम है होटल का, जैसा कि आप फिल्मों के बैनर्स वगैरह पेंटिंग्स वगैरह बनाते आए हैं, और तो हमारे भारत की कला है फोक कला, आपका कभी उसमें भी रुझान रहा है? हाँ हाँ, कैलेंडर डिजाइन में तो वही करते थे ना, हाँ जो इंडियन आर्ट जो है आर्ट है, हाँ वो शैली को हमने बहुत किया है ना, तो हाँ बंगाल शैली को किया है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने आर्ट में कोई भी चीज को छोड़ा नहीं है ना, कहा वो 50 फीट की और कहा वो जो अपना ये जो गैलोर्ड लंदन में, तो गैलोर्ड का लंदन, हाँ उसमें मतलब कि इतना लोग वहां पर उस पेंटिंगों को देखने आते हैं वहां पे, और उसके बाद में कितना मेरे पास भी आगे
पेंटिंग बनवाने के लिए, खरीदने के लिए वहां से वो देख के, तो बहुत लोगों ने, और वहां पे जो मेरे प्रिंट कितना लंदन में बिका है ना, जिन हाँ वहां पे बेडफोर्ड में एक डेकोर इंडिया कंपनी है, डेकोर इंडिया, हाँ, तो उन्होंने बड़ा है ना मेरा, वैसे भी पेंटिंग सेल की है और उन्होंने अपना प्रिंट निकाले जो कि लोगों ने बड़े पसंद, बड़ा मतलब इतना सेल हुआ वहां पे सब, तो वो हर टाइप का मतलब हुआ वहां पे। कैलिफोर्निया में शो था तो बता रहे हैं कि भाई वहां पे ऐसे लोग बैठ गए जैसे कोई मंदिर में बैठ जाते हैं ना पेंटिंग देखने के लिए, इतना शांत एकदम एक पेंटिंग एकदम, और एक ही क्लाइंट ने 5 पेंटिंग खरीद लिए है ना। अरे वाह। तो हाँ, तो ऐसे सब जितने भी मेरे शो हुए बेंगलोर में, तो वहां पे सारे सब सुपरहिट शो रहे, दिल्ली में, बॉम्बे, हर जगह, पूरा इंडिया सारा, और सारा बाहर फॉरन जितने भी अच्छी जो हमारे इंडियंस ज्यादा हैं उन लोगों ने बहुत सब, तो ऐसे चल रहा है। तो सर जैसा कि अभी दूसरा साल जा रहा है कोरोना का, COVID-19 का, तो अभी क्या है कि बहुत चीजें जो है वो ऑनलाइन आ गई हैं, जैसे एग्जीबिशन हो गए, कोई शो हो गया, अभी क्योंकि अभी पता भी नहीं है कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, और जो हम आर्टिस्ट हैं वो कब तक ऐसे ही ऑनलाइन शो और अपना एग्जीबिशन या कोई कॉन्टेस्ट कब तक ऐसे ही करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो आज का जो वर्चुअल टाइम चल रहा है एग्जीबिशन का जो ऑनलाइन दिखाते हैं, तो हम लोग तो कह रहे थे कि जो ऑफलाइन वर्कशॉप और एग्जीबिशन करते थे, तो आपको आपको कैसा लगता है कि अगर ऑनलाइन एग्जीबिशन अच्छा है या ऑफलाइन एग्जीबिशन अच्छा था, और आपने कभी ऑनलाइन एग्जीबिशन किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने तो किया नहीं अभी तक, और ये तो देखिए ऐसे जैसे कि बच्चों को होता ना पढ़ाई का वो है ना, वैसा ऑनलाइन में जो अपना वही बैठे बटन दबा के और करते रहो, तो वो अभी जो आज की जनरेशन है वो तो इसको जरूर फॉलो करेगी है ना, और अभी हम लोगों को ना तो आता ही है ना, और हम तो अपने आर्ट पर ही विश्वास करते हैं, पेंटिंग तो उसको देख के जो लोग मतलब इतना इम्प्रेस हुए, इतना लोगों ने पसंद किया, हमें वो ही खुशी है कि भाई हमने जो मेहनत की आर्ट सीखने के लिए, तो वो आज सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, फॉलो भी किया बच्चों को स्कूल के अंदर, हमारी पेंटिंग्स को है ना सिखाया, सिखाते थे, तो वही अच्छा है। अब ये तो खाली है कि भाई अपना शॉर्टकट काम है कि फटाफट अपना कंप्यूटर से वो सारा, तो अभी वैसे माहौल ऐसा चल रहा है कि कोई शो कर नहीं सकते कहीं पे, वो ये है बीमारी जो है ये क्या बोलते हैं कोरोना का, हाँ उसकी वजह से जो भीड़ इकट्ठे नहीं हो सकती, ये वो सब कई प्रॉब्लम है जो है ना, तो उसकी वजह से, और अब थोड़ा आदत पड़ जाएगी, अभी जब शुरू इसी से होता है तो देखते हैं क्या होता है। तो सर जैसा कि आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और आप कई जगह गए हैं, कितने लोगों से मिले हैं, और जो आज की जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, तो आपको क्या लगता है जो युवा पीढ़ी में जो कलाकार हैं, जो चित्रकारी बनाते चित्रकारी करते हैं, तो उनको अभी जो पहले की अब की जनरेशन में बहुत बदलाव आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप युवा कलाकार हैं उनकी क्या सोच है कला के बारे में? हाँ, उनका तो अभी देखिए जो नया है ये उसी को ही फॉलो करेंगे वो लोग, क्योंकि इतना टाइम है नहीं है, उनको सबको उसी पर ही विश्वास है, कहीं भी बैठे बैठे अपना वहीं पर ही सारा कंप्यूटर से कर लेते हैं वो काम है ना, तो उनको उसी में वो लगेगा। अब जो अभी जो आर्टिस्ट हैं, जो
अपना वो तो हाथ से करेंगे तभी उनका वो होगा, और वो जो प्राइज है जैसे कि आज ओल्ड मास्टर का है काम, तो आज उनका क्या क्या प्राइज मिल रहा है, तो सबको अंदर से तो यही होता है कि हम अच्छा काम करें हाथ से, जो सही जो आर्टिस्ट है कि जो आगे जनरेशन भी उसको फॉलो करे, देखे, है ना, उसकी तारीफ करे। हाँ, कंप्यूटर का तो कंप्यूटर है ना, जैसा आप चाहोगे वैसा, लेकिन जो एक वो है कि भाई एक लोग जैसे आज हम ओल्ड मास्टर्स को देखते हैं, उनका बारे में जो ऑक्शन वगैरह में उनका प्राइस, किस किस प्राइस में वो पेंटिंग बिक रही है, क्या है ये, तो वो उससे बड़ा वो होता है कि भाई उसकी बात ही अलग है ना, तो ऐसा है। तो सर जैसा कि आप तो आज का जो टाइम है, कला पेंटिंग हर जगह बहुत सारी चेंजमेंट हो चुके हैं, बहुत टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, आज बहुत चीजें नई है और काफी ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हम पेंटिंग की बात करें या और भी किसी विषय की बात करें, तो आजकल चीजें आसान हो गई है बहुत, रंगों से लेके टेक्निक बदल गई है, लेकिन जैसा कि आप अपने टाइम में और अभी तक काम कर रहे हैं, तो आपको आपको क्या लगता है कि जैसे जो आपका टाइम था और अभी के टाइम में ऐसा क्या बदलाव आ गया, आर्टिस्ट के लिए कैसा बदलाव आ गया है अभी? अभी तो देखिए कि अभी ये इतना कम पीरियड में, शॉर्ट कट टाइम में, है ना, इतना फास्ट वो रिजल्ट देते हैं कंप्यूटर से, ये वो सब करके, तो जो हाथ के काम है तो एक है ना वो सोचना है, उसको करना, फिर इंतजार करना है उसको कब सूखेगा, फिर उसके बाद एक फिर फिनिशिंग की बात आएगी, पहले स्टार्ट करते हैं फिर उसको कलर, फिर है ना दो तीन कोट उसको देते हैं, फिर सोच कर ही उसमें तो डेवलप करते हैं उसको, उस थीम को, अभी क्या थीम हम बना रहे हैं, कोई अपना तो मॉडर्न है या थोड़ा मुगल आर्ट है या जो पुराना जैसे राजा रवि वर्मा जी करते थे, राजा रवि वर्मा है ना, तो वो सब चीजें जो है वो ऐसे फटाफट तो नहीं सकती, उसको तो थोड़ा वो टाइम लेते हैं, है ना, करने में, सोचने में, फिर सूखनी चाहिए पेंटिंग, फिर थोड़ा करते हैं, तो वैसे मतलब जो ओल्ड मास्टर्स के आज जो काम है वो कितने सालों के एक एक पेंटिंग बने हैं, उनकी लेयर देखो कितने थिक लेयर है ना, पेंटिंग आप ओरिजिनल देखो सामने, है ना, वो कलर भी फट गए हैं, वो कितने मोटे मोटे कलर, हाँ डबल चढ़ा चढ़ा के कलर को, तो ऐसे मतलब कि कितना वो लोगों ने मेहनत की है, जिसको हम लोग आज देखते फॉलो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसको, हाँ तो हाँ ये चीजें जो है ना मतलब वो करने के लिए थोड़ा पेशेंस और वो चाहिए, टाइम चाहिए, तो ऐसा तो सही बात बोली आपने कि आज की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन चल रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम जो बढ़ता जा रहा है, नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आज की जो युवा है, युवा पीढ़ी है वो जी। और टाइम ऐसा चल रहा है कि सबको आगे जाना है, भाग दौड़ लगी हुई है, सबको आगे अपने काम में जाना है, कंपटीशन है इतना ज्यादा, कहीं ना कहीं हर चीजों में बदलाव आ गया है और तेजी भी आ गई है, तो वो चाहे हम कला की बात ले लेते, तो कला में भी टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट, आज जैसे लोग बहुत कलर के लिए भी बहुत मेहनत किया करते थे, कहीं से नेचुरल कलर बनाते थे, बहुत कुछ होती थी जो नेचुरल होती थी, और आज का जो टाइम है और चीजें आपको मार्केट में ही अवेलेबल है, आपको जैसा कलर चाहिए, ब्रश चाहिए, या इतनी टेक्निक आ गई है कि बहुत चीजें बहुत ही आसान हो गई है। ये मैंने जितने भी शो मेरे
किए, अभी जो पहले जो शो जब स्टार्ट हुए शो, तो ये सालों की मेहनत का शो होता था। जो आर्टिस्ट कलेक्शन अपना बना बना के रख रहे हैं, जब कोई है ना मौका आया 15 पेंटिंग 20 पेंटिंग 10 पेंटिंग बन गई, तब वो कहीं जाके शो करते थे। तो वो सालों की मेहनत होती थी कि ये हमने इस साल में शुरू की थी, ये ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे, उसको इकट्ठा करते रहते थे। फिर जब कोई चांस मिला तो और है ना तब कहीं जाके वो शो होता था। लेकिन मैं जितने भी शो आज तक किए वो मतलब कहीं भी शो किया वो मैं यहाँ से अपने पेंटिंग ये सब फिलिंग करके लेके जाता था। एक जो सब्जेक्ट है उसको ड्राइंग और उसको थोड़ा कलर मार के, और जो फिनिश मैंने वहीं पर ही जाके किया। बेंगलोर में हूँ तो बेंगलोर में, दिल्ली में हूँ, मद्रास में हूँ, इधर उधर जहाँ भी, तो वहीं पर ही बैठ के होटल में 2-3 रूम लेके एक में बैठ के मैं फिनिश कर रहा हूँ, एक में पेंटिंग को है ना रख रहे हैं सुखाने के लिए एक में, तो ऐसे मतलब कि इतना फास्ट और इतना अच्छा है ना रिजल्ट, तो मतलब ये और किसी आर्टिस्ट में ऐसा वो नहीं कि जी वहाँ बैठ वहाँ पर ही जाके फिनिश कर रहे हैं पेंटिंग, वो तो घर से रेडी होके सारा बना के सब कुछ लेके फिर वहाँ जाते हैं शो करने के लिए। तो मैंने ऐसा आज तक नहीं किया, हाँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। अभी बेंगलोर से खत्म किया तो पता लगा दिल्ली में शो, अभी दिल्ली से वो अब उसमें जो 2-4-5 पेंटिंग बच गया वो उसमें यूज आ जाता था। अभी 22-23-25-30 पेंटिंग का जैसे शो करते हैं हम लोग है ना, तो और वो भी बड़े साइज की पेंटिंग होती है ना, 8 फीट की, 6 फीट की, 4x4, 3x4 है ना, 4x ऐसे सब बड़े साइज की मेरी पेंटिंग सारे, तो बहुत ही मतलब फास्ट करते थे और लोगों को पसंद आता था काम। मतलब मैं 4th फ्लोर पे दिल्ली में अपना LTG गैलरी ऊपर बैठ के मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो वहां पे जो हमारे आर्ट के चाहने वाले इतने बड़े बड़े सब है ना, सभी बड़े बड़े लोग सब वहाँ पे, ओल्ड भी है उसमें, लेडी भी है ना ओल्ड है ना, वो मतलब ऊपर आ रहे हैं 4th फ्लोर पे पेंटिंग देखने के लिए, शो से पहले बुक करने के लिए। तो मैं उनको बोल रहा हूँ अभी आप आराम से उधर देखना, काहे को आप इतना ऊपर चढ़ना, ये वो कहते नहीं 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 हम बुक करेंगे और जो हमें पसंद है ना वो। तो मतलब लोगों को इतना अच्छा वो था कि वो देख के इतना उनको खुशी मिलती थी। एक्साइटमेंट बहुत होती थी और जब आगे से चला तो एक्साइटमेंट तो और भी बढ़ जाती है आपकी पेंटिंग देखने के लिए। जी तो ऐसा मतलब कि अभी एक पेंटिंग थी मेरी जो अपना बेंगलोर शो था मेरा, 4x8 फिट की थी है ना, 8 फिट ऐसे लेंथ था और 4 फिट, तो वो सारी सब पेंटिंग फिनिश हो गई, सब टेम्पो में डाल दिया उसी है ना, उस शाम को इनोग्रेशन है उसका, तो भी इनोग्रेशन का मतलब कम से कम सुबह जाना चाहिए गैलरी में, जो वहां पे हैंग करना है कहीं कुछ करना है कुछ ये होना है वो होना है क्या क्या काम होता है प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी हम 4 बजे तक तो हम होटल में वहां पे काम ही कर रहे हैं बैठे हुए है, और फिर वहां पे हम टेम्पो में डाल के पेंटिंग ले जा रहे थे, तो फिर मैं टेम्पो को रोका क्योंकि जो 4x8 की पेंटिंग थी मेरी वो पेंटिंग फिनिश नहीं हुई, जो कि मैं चाहता था कि वो फ्रंट पे लगे, जो भी एंटर करेगा तो फ्रंट पे वो 4 हॉर्स है जो डिफरेंट कलर है ना, और वो भी कोई ऐसे पूरी बॉडी खाली फेस है हॉर्स का इतना है ना, तो वो उसमें जो पावर और वो जो भाग रहे हैं वो चारों हॉर्स 4 कलर के है ना, तो पूरा जो रिदम है उसमें, तो वो चाहता था कि भी जो भी अंदर आएंगे देखेंगे तो ऐसा इम्प्रेस होंगे वो लोग, लेकिन वही पेंटिंग फिनिश नहीं हुई, सब पेंटिंग हो गई, इतनी सारी पेंटिंग करते करते मैं डे नाइट वहां पे काम है ना, खाने का मेरा पता नहीं,
कुछ नहीं है। तो वो मैंने उसको टेम्पो पे रोका, हमने कहा जरा रोको, और मैंने फिर अपने कलर ब्रश ये वो सब उसमें टेम्पो में डाले, वो पेंटिंग को भी डाला। हमने कहा ये तो मेन पेंटिंग थी मेरी, वही मैं छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। तो और वही पेंटिंग मेरी जो सबसे पहले हाई प्राइस में गई, जब वहां पे लगी जब मैं वहां पे गया, और वहां पे पूरा कॉलेज है कर्नाटक चित्रकला परिषद, है ना, तो पूरा स्टूडेंट जो है सब वहां पे बैठा हुआ है मेरे पीछे। और जब वो मैंने ढाई तीन घंटे के अंदर फिनिश की, दो ढाई घंटे में, ढाई इतना टाइम ही नहीं था, 6 बजे तो इनोग्रेट होना था, इनोग्रेट भी पेंटिंग सब ऐसी रखी हुई है जमीन पे, उसको हैंग तक नहीं कर पाए हम, और वो जमीन पर ही पूरी सेल हो गया पेंटिंग। हमारे जो स्पॉन्सर थे हमारे, तो वो मेरे लिए इडली लेके आए थे, तो कहने लगे सर आप अपना कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं अभी। तो मैं इडली ऐसे एक आधा मुंह में था आधा मेरे हाथ में था, तो जो जो आए थे मेरे जो आर्ट को पसंद करते हैं क्लाइंट, वो कहने लगे सर पहले आप हमारा मार्क लगा दो, ये पेंटिंग हमें इतनी पेंटिंग पसंद है, ये वो कोई चार पेंटिंग, कोई दो पेंटिंग, कोई एक पेंटिंग, पता लगा वो है ना। उन्होंने मेरे को इडली जो मुंह में था वो खाया मैं, है ना, उन्होंने कहा पहले आप वो वहां पे मार्क लगा दी, है ना, पूरा सेल हो गया। तो क्या बात है शाम, हाँ थैंक यू थैंक यू। तो फिर शाम को जिन्होंने इनोग्रेट किया था वो रिटायर्ड जज थे, है ना, मिस्टर सल्दाना, हाँ। तो सल्दाना साहब आए 6:30 बजे, तो पेंटिंग उन्होंने देखा, कहते मुझे आज लगा कि मैं पेंटिंग देखने आया हूँ, है ना, नहीं तो अभी बुला लेते हैं शो में, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं, वो मॉडर्न और वो थोड़ा वो है ना, तो कहते हमारे वो समझ में आता नहीं, आज ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई है ना इतना अच्छा ये। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना बड़ा उससे वो, तो ऐसे अलग अलग हादसे हुए हैं लाइफ में। अभी एक बार शो था कि जिसमें लेडीज की पेंटिंग कम थी मेरी, अब हमने कहा भाई लेडीज की पेंटिंग कम है, तो मैंने क्या किया जाए, तो एक मैं कश्मीरी जैसे ओल्ड मैन होते हैं ना ओल्ड, तो वो जो कढ़ाई वगैरह करते हैं कपड़े का करते हैं कढ़ाई वगैरह वो सब, वो बैठा हुआ ओल्ड मैन चश्मा लगाए हुए, और वो तो अभी हमने देखा, मैंने कहा इस बार जो हमने लेडीज फिगर कम है, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये ओल्ड मैन को जो है ना लड़की बना देते, 80-85 साल का होगा है ना बेचारा, है ना हाथ में ऐसा सुई है ऐसे कपड़ा है ना, और वो पेंटिंग मतलब कि 80% फिनिश है वो, लेकिन ना अभी मैंने कहा लेडीज का काम है पेंटिंग, तो हमने जी उसको हमने जो उसको रात को जो है, और उसको एक खूबसूरत 16-year-old खूबसूरत लड़की है ना उसको बनाया, और सुबह फिनिश किया, और जब वो पेंटिंग वहां पे लगी गैलरी में, तो मतलब सब लोग वहीं पर ही खड़े हुए देख रहे, वो देख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ से देखते हुए लेफ्ट में जाते हैं, फिर लेफ्ट से फिर वो वहां के खड़े हो जाते हैं, फिर राइट में जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, फिर खड़े। तो मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं तो मैंने कहा आप ऐसा कहते हैं, हम जिधर भी जाते हैं ये लड़की हमको देख रही है और कहते हैं कि उनको बेचारों को उनको क्या पता कि ये हमने एक ओल्ड मैन को है ना उसको हमने ये खूबसूरत लड़की बनाया, समझे। और वो भी मतलब कि एक होता है ना एक आर्टिस्टिक ढंग से खूबसूरती, ये नहीं जो उसे पाउडर क्रीम लगा के उसे चमका रहे और उसको ऐसे कर रहे हैं, और वो है ना, तो एक आर्टिस्टिक लुक उसका, आर्टिस्टिक पेंटिंग है ना, जो कि है ना खूबसूरत लड़की है ना, वो एम्ब्रॉयडरी अपने हाथ से बैठ के कर रही है, बैक से एक लाइट आ रही है सनलाइट है ना, तो वो सब चीजें जो है ना सब हाँ उसके अंदर आर्ट में घुसना पड़ता है, उसको पूरा लाइफ जो है अपनी
रियलिटी को पकड़ना पड़ता है ना, में, हाँ, कैसे नाइट का एक इफेक्ट, कैसे डे का सनराइज में क्या होना चाहिए, है ना, कैसे अभी थोड़ा टाइम हो गया 4-5 बज गए तो उस टाइम में पीरियड कैसा, लाइटिंग का कैसा, तो वो सब चीजें जो है सब वो उस वो करना पड़ता है ना। तो हाँ, तो ऐसे सब टाइप का सब काम किया वो, है ना, सारा सब तो करते रहो करते रहो। आर्ट तो रोज सीखता है आदमी, जितना करेगा उतना सीखता जाएगा। जहाँ ये सोच लिया जी अभी है, हाँ जी हाँ जी, बस जहाँ ये सोच लिया, हाँ सीखना, बस आदमी करता रहे काम तो वो आर्ट उसका मजता जाता है, है ना, जितना भी उसको। तो तो सर आप ये बताइए कि जैसे कि इतने जो हमारे भारत में जो कलाकार हैं और भारत में जो मतलब जो कला प्रेमी हैं या जो कला प्रेमी नहीं है, और कई कहीं ऐसा है कि कहीं कहीं कला को बहुत महत्व दिया जाता है और कहीं पर नहीं महत्व दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो जो कला को पसंद करते हैं या जो हमारे भारत के लोगों की जो सोच है वो कलाकार के लिए कैसी सोच है उनकी, आपको क्या लगता है कि वो कलाकार को किस तरीके का मान देते हैं? नहीं, क्या है कि देखो वो सब पसंद करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सबका टेस्ट अलग है, है ना। अभी अभी बहुत लोग जो है जितनी जिसकी समझ होती है जिसको, है ना, तो वो अलग अलग टाइप से लोग पसंद करते हैं। अभी वही है कि भाई मॉडर्न आर्ट को भी पसंद करते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट को करते हैं, वही मुगल आर्ट को पसंद करते हैं, वही चाइनीज, वही बंगाल का जो आर्ट है, है ना, तो वो फिर वही लोग हैं कि भाई जो ओल्ड मास्टर्स का, है ना, उस टाइप को पसंद करते हैं। तो ऐसे मतलब अलग अलग टेस्ट है, लेकिन आर्ट जैसे म्यूजिक है उसको भी ऐसा ही है कि भाई सब टाइप के, है ना, हर कोई अब इंग्लिश म्यूजिक को पसंद नहीं करता, इंग्लिश पेंटिंग उस टाइप की, हाँ, तो ऐसे मतलब टेस्ट होता है अलग अलग, है ना, तो वो करते हैं सब पसंद करते हैं। अच्छी बात है। और अभी तो जैसे टाइम है तो अभी तो लोगों की जो सोच है, और जैसा कि आज का टाइम चल रहा है, अभी लोग नया घर लेते हैं, उनके घर में पूरा इंटीरियर होता है, डिजाइनिंग होती है, तो आज जो कला का जो मान है वो काफी बढ़ गया है, और लोग अपने घर सजाने के लिए खूबसूरत रखने के लिए पेंटिंग्स लेते हैं या पेंटिंग से जुड़ी हुई काफी चीजें लेते हैं, बहुत लोग डिजिटल पेंटिंग भी करते हैं, कोई कालीन वगैरह भी लेते हैं, उसको भी कलाकारी होती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो आज का टाइम तो काफी बदल गया है, और मुझे तो लगता है कि पहले का भी जो टाइम था उसमें भी कलाकारों का अलग ही मान और सम्मान था। हाँ, आज का जनरेशन है कि थोड़ी बदल गई है, पर कलाकार के लिए तो हर समय जो होता है वो समान ही होता है। जी, क्या होता है इंटीरियर जी, हाँ, क्या अभी अभी जो भी है ना डेकोरेशन, वो इंटीरियर के हाथ में होता है, है ना, कि भाई वो उनको दिया है बनाने के लिए, तो इंटीरियर डिजाइनर जो अपना उसमें क्या कैसे अपना उस ढंग से वो लोग करते हैं, तो ऐसा, और कुछ उसमें उनका पसंद का डालते हैं जो है चाहते हैं उनको दिखाते हैं वो, कि भाई वैसे अपना टेस्ट जैसा मूड है वैसे उसको। अभी एक पेंटिंग थी जो जहांगीर में पहले जो था, पहले ये जब मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट का ज्यादा वो था, तो उस टाइम ये फिनिश पेंटिंग राजा रवि वर्मा जी, उनको भी वो लोग आर्टिस्ट नहीं मानते थे, है ना, जो मॉडर्न आर्टिस्ट और ये एब्स्ट्रैक्ट जो करते थे, है ना, वो लोग
वो उनको तो वो ऐसे जी ये तो साइन बोर्ड पेंटर है, ये फिल्म वाला पेंटर है और ये पेंटर है ना, उनको ऐसे तो हमारा भी आर्ट अंदर घुसता ही नहीं था बहुत देर में अंदर। तो फिर हमें वो हमने जो है एक बार हमें वो एक आया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का कि भाई आप एक पेंटिंग दो इसमें सबमिट करो। तो मैंने फिर टाइम था नहीं, मैं दिल्ली से आया था तो आके मैं अपना फिर मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे एक स्केच मैंने कोई आधे घंटे में एक बांसुरी ओल्ड मैन बांसुरी बजा रहा यार, तो इतना फास्ट किया वो आधे घंटे में करके। और मैं फिर सांता क्रूज स्टेशन पर ही वहीं पर ही फ्रेम वाला एक अपना जाने वाला था मौलाना जी, वो उन्होंने बेचारों ने मुझे फ्रेम करके दिया और मैं फिर जागीर में जाके सबमिट किया उसको। तो वो मतलब इतना पसंद आया, सब लोग इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, लेकिन उसके बाद में फिर मुझे दोबारा उन्होंने बुलाया नहीं है ना, कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के हर साल ही होते हैं वहाँ पे प्रोग्राम है ना सब, तो फिर मेरे को बुलाया नहीं। तो हम फिर अपना मैं आउटसाइड और वो जो पेंट जो मैं स्केच वहाँ पे सबमिट किया वो मतलब कि वहाँ सेल तो नहीं हुआ लेकिन एप्रिसिएशन बहुत मिली है ना। हाँ, और वो एप्रिसिएशन ऐसी मिली कि मतलब कोई भी आज जितने भी आज हमारे इंडिया के क्या बाहर फॉरेन लंदन ये मतलब मेरी जो कलेक्शन होगी तो उसमें वो ओल्ड मैन जरूर होगा, उसको मैंने हर कलर में हर तरह से उस ओल्ड मैन को बांसुरी बजा रहा है ना, तो उसको मैंने हर तरह से हर कलर से उसको बनाया और सब लोगों को मतलब उसको देख के उसको डर में ऐसे शांति ऐसे सब फील करते थे उसको है ना। तो कहीं भी जो मेरी कलेक्शन लगी होगी जितने भी हमारे आज इंडिया के टॉप सब बड़े लोग हैं, सब बड़े हमारे चाहने वाले हैं क्लाइंट हैं, तो सब लोगों के घरों में जो है वो ओल्ड मैन जरूर होगा जो बांसुरी बजा रहे हैं हाँ धुन में। तो वो मतलब मैंने हर कलर में बनाया उसको है ना, तो ऐसा मतलब कि हाँ जी सर। तो जैसा कि आप इतने सालों से अपना काम पेंटिंग करते आ रहे हैं, तो सर आप कई जगह पेंटिंग किए और कई जगह आपको बहुत सम्मान और पुरस्कार भी मिला होगा, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, मेरा काम तो देखिए कहीं पे भी है ना, हर जगह बहुत ही पसंद किया गया, क्लाइंट जो है मेरे चाहे वो बाहर फॉरेन हो या इंडिया हो है ना। किस चीज का ट्रॉफी अवार्ड? हाँ अरे अवार्ड तो इतने सारे यहाँ रखे हुए, सब अवार्ड बहुत सारे फिल्म के मुझे सारे सुभाष घई जी की सारी फिल्मों के अवार्ड है ना, दामनी का अवार्ड हाँ, ये सब अच्छे से बताइए जो जो बहुत स्पेशल रहे हो आपके लिए, आप उनके बारे में बताइए। हाँ जैसे देखिए दामनी का हमने किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, तो उन्होंने दामनी का जो अवार्ड दिया सभी पूरा जो फिल्म में जिन्होंने हीरो हीरोइन डायरेक्टर सब जितने भी हैं सब सबको वही एक ही ट्रॉफी उन्होंने बनाया जिसमें कि वो मेरी पेंटिंग है और वो पेंटिंग हाँ पेंटिंग का ही अवार्ड बनाया उन्होंने जिसमें मेरा ख्याल हाँ ये 16 तो उन्हीं पेंट हाँ 22 पेंटिंग को उसी का ही उन्होंने अवार्ड वो बनाया ट्रॉफी है ना, तो जो कि सबको पूरा हाँ दामनी का फिर सौदागर का फिर रामलखन खलनायक है ना और सारी फिल्में जो जो है सब जो मेरे को वैसे अवार्ड मिले है ना संगीत के। फिर मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा था एक सीरियल चित्रकार जो मेरी लाइफ पे था है ना, मैं अपनी हाँ अपनी लाइफ पर वो बना रहा था चित्रकार है ना, तो उस वो जो है
और बहुत ही हर जगह अभी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जयपुर से, है ना। हाँ दिसंबर में था, दिसंबर में तो बुलाया मुझे वहाँ पे, और सब और मतलब हर टाइप के अलग 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 है ना सब अवार्ड सब मिले। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका आप इतने सम्मानीय और इतने अच्छे कलाकार हैं, तो आप तो किसी भी पुरस्कार के हकदार बनते ही हैं। और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप अभी तक अपना काम में अच्छे से और लगन से कर रहे हैं। और सर बात करते इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चलता, तो सर आप हमारे शो में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतना अच्छा है ना मतलब अच्छी अच्छी बातें अच्छा अच्छा वो मतलब इतना टाइम भी वो नहीं करने की फिर भी मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ, लेकिन आपने उसको है ना वो किया तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा आपने जो पूछा है ना बड़ा अच्छा सब बातें जो थी बड़ी अच्छी जो पूछनी चाहिए वो बातें थी, ऐसे नहीं था जी वो है ना जो मतलब आगे हमारे जनरेशन जो मुझे जानते हैं मेरे काम को पसंद करते हैं तो उनको भी अच्छा लगे है ना, ऐसा फील मुझे हुआ है ना कि उनको वहां तक पहुंचे की बात लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो हमने प्लेटफॉर्म सुना है कि आप जैसे आर्टिस्ट और जो जो अभी यंगस्टर है जो हमारे नए आर्टिस्ट है हम उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाए और लोग उनके बारे में भी जानें, तो इसलिए हमने अपना ये शो स्टार्ट किया है। तो सर आप जो नए आर्टिस्ट आज से आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ ये नए बच्चे कर रहे हैं बहुत फास्ट करते हैं, अच्छा है उनका सब है, लेकिन वही है कि अभी जो एक कंप्यूटर आ गया है ना तो वो थोड़ा सा उनका उधर ज्यादा अट्रैक्शन है जो उससे वो हाँ बजाय मतलब ये बैठ के मेहनत करना और ये वो है ना तो उसके बजाय वो कंप्यूटर पे जो है ना ज्यादा उसको अपने दिमाग को उसमें ज्यादा करते हैं इस्तेमाल, तो हाँ तो वो भी आजकल टाइम ही ऐसा चल रहा है ना। देखो अभी मेरा वो मुझे आता नहीं था स्टार्ट करना, अभी देखो ये बच्चे ने आके ये हमारा मनीषा ये जो काम सीख रहा है बहुत अच्छा आता है इसका और ये सीख रहा है तो देखो आके उसने ये चला दिया है ना ठीक किया उसको ये भी बच्चा छोटा सा ही सीखने आया मेरे पास, इसे शौक है बहुत, तो ऐसे मतलब कि जो जिनको नहीं तो बहुत लोग होते हैं वो शॉर्टकट उसमें चले जाते हैं कंप्यूटर से जो करते हैं उसी से है ना, जिनको आर्ट का शौक है वो सीखते हैं और वो नहीं करते ऐसे, तो ऐसा है। आपके पीछे भी जो पेंटिंग दिख रही है वो भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग लग रही है। थैंक यू थैंक यार सारे, जब आप आएंगे कभी तो फिर आप देखना सब है ना। बिल्कुल, मैं और मेरी टीम पक्का आपसे मिलने जरूर आएंगे और आपसे बहुत सारे सर आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए और हमारे लिए निकाला। थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए, मैं और मेरी टीम दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज आप फिर से हमारे शो में आए और बातें करें हमसे और अपनी आज जर्नी के बारे में हमें बताएं। ठीक ठीक और आपको बहुत बहुत नमस्कार और बाय। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स। तो जैसा कि देखा आपने आज हमारे जो गेस्ट थे वो थे मिस्टर पृथ्वी सोनी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और भारत के बहुत ही नामचीन कलाकारों में से एक हैं, और आज उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनके जो काम है और उनका जो काम करने की जिज्ञासा है वो अभी तक उनमें बनी हुई है,
और उनकी जो पेंटिंग है वो अभी से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं और हमारे फिल्मों में भी कई फिल्मों में वो आ चुके हैं और उनकी जो पेंटिंग है एज अ आर्ट डायरेक्टर उनकी पेंटिंग बहुत ही फिल्मों में आ चुकी है। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनकी आर्ट जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।